रोहतक शहर के सबसे बड़े बाजार में शॉर्ट सर्किट होने के चलते ही एक जूते के गोदाम में आग लग गई। तेज हवा के कारण आग दूसरी व तीसरी मंजिल पर पहुंच गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते शोरूम में रखा दूसरी व तीसरी मंजिल का सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। एक के बाद एक करीब 18 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। तब जाकर इस दौरान दमकल विभाग के एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। उसके बाद हमने 3 गाड़ियाँ तो टाइम लगा दी, अभी आधा बाजार का काम है, 3 गाड़ियाँ हैं तो जिला भी 2 गाड़ियाँ। उसके बाद 2 गाड़ियाँ आज निकाल दी हैं, लगभग 10-12 गाड़ियाँ पानी मार चुके हैं। अब हमें फायर का कंट्रोल है, अभी जो धुआं जूते गिरे हुए हैं दबे हुए उसके कारण धुआं है वो थोड़ा उसको निकालना पड़ेगा। बाकी हम डॉक्टर साहब किस तरह की दिक्कतें सामने आई जो दिक्कतें थी इसमें ये थी, देखो तो बड़ा बाजार है, पुराना बाजार है, तंग गलियाँ थी, आने में थोड़ा रास्ता क्लियर नहीं मिला इसलिए। दूसरा यहाँ दुकान में भी मतलब माल ठसा ठस कर रखा है, ऊपर जाने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, जिला बिल्कुल क्लोज कर रखे हैं, खुले हुए हैं। अब कितने सालों से आपकी दुकान है, क्या कुछ हुआ? 2 साल हो गए, 2 साल हो गए दुकान पे। तो कैसे क्या आग लगी है? ये जब खंभा नजर आ रहा है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है कोई, जैसा कि देखने वाले बता रहे हैं, और वहाँ से ऊपर आग लगती हुई नीचे तक आई है। तो कितने का सामान इसमें आपने रखा? सामान था कोई 30 से 35 लाख के बीच। तो आग के कारणों का पता लगा किस तरह से? गाड़ी मौके पर पहुँच गई है, कितनी गाड़ियाँ तकरीबन आ गई? गाड़ी का मौके पर आ गई फोन करते ही, मगर आग पर काबू नहीं पाया गया अभी तक, 2.5 से 3 घंटे हो गए। रोहतक से तहलका हेडलाइंस के लिए अनूप कुमार सैनी की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है तेलका हेडलाइन न्यूज, और आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। हमारी मेल आईडी है telkaheadlines.in@gmail.com। अब आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइक कर सकते हैं।